दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पीने के पानी को लेकर युवक को लाठी डंडों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। पीड़ित युवक जौनी थाना विजयनगर क्षेत्र के बागो क्रिश्चियन नगर का रहने वाला है, जो कि पुताई का काम कर अपने बच्चों का लालन पोषण करता है। फिलहाल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित जॉनी ने बताया कि शराब पीने के लिए पानी मांग रहे दो युवकों ने पानी नहीं दिए जाने को लेकर रंजिश समझ लिया था, जिसके बाद पार्क में उन्हें अकेला पाकर उससे अभद्रता की और गाली गलौज करते हुए मारपिटाई शुरू कर दी, जिसमें उसे गंभीर चोट आई। इस दौरान पड़ोस में रहने वाली व्यक्ति ने उसका बचाव किया तो उसको भी बुरी तरह से पीटा गया। तो एक दिन मैं गए थे, मैं रहा था, इसके मामा मामी मर गई जिससे मेरी लड़ाई हुई थी। तो मैंने पानी की बोतल खरीदी थी, तो मेरे से टिंकल नाई पानी मांग रहा था, मैंने मना कर दिया था। ये दोनों वहाँ भांग पी रहे थे, मैंने कोई मतलब नहीं, मैंने इन्हें पानी नहीं दिया। इन्होंने फिर कल आके दारू पी के आया वहाँ पर, वहाँ मैं बैठा था, इसने मुझे फिर हाथापाई करनी शुरू कर दी। उसके बाद में मैं आ गया बाहर को, तो इसका बड़ा भाई आता है किशनपाल, फिर उसने मेरे पास हाथापाई करनी शुरू। किस चीज़ से आपके सर पे वार किया? बैट बल्ले चली सर। मेरे दोस्त का फ़ोन आया था, मेरे दोस्त का, तो मैं तुरंत गया दो मिनट में, तो मुझे गली के बाहर मिला है बिल्कुल बेहालत में। तो मैं थोड़ी दूर लेके गया, फिर मुझे दिखा कि नहीं जाएगा, तो मैंने वहीं में पानी का काम करता हूँ, तो थैली उठाई मैंने, इसे फिर अस्पताल लेके गया। सर पहले मेडिकल हुआ? नहीं, पहले, हाँ पहले मेडिकल हुआ, फिर इसका ट्रीटमेंट हुआ। कितने टाके आए होंगे? 7-8। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर दी और घायल युवक का मेडिकल भी कराया गया, लेकिन अभी तक ना तो आरोपियों को पकड़ा गया है और ना ही कोई जांच हुई है।